आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। हमारे साथ गीता है झारखंड से, स्वागत है आपका गीता। प्रणाम मैडम जी। प्रणाम डॉक्टर। आदाब आदाब डॉक्टर साहब। हम तो हमको तो बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा आपसे बात हो जा रहा है। ये तो हम बहुत दिन से ट्राई मार रहे थे मगर हो नहीं रहता। हमारी दीदी पटना में रहती हैं तो उन्हीं के माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं। अच्छा, तकलीफ रहता था ना तो वही हमको मतलब बता देती ये करो वो करो, तो उनका बताया नुस्खा जो जो आप उनको बताते थे वही नुस्खा वो हमको बता देती। इसी चलते हम बहुत ठीक हुए हैं और लेकिन हम उन्हीं के माध्यम से हम आपसे हाथ जुड़े हुए हैं। तो जितना भी कुछ बताए वो अभी तक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी तक हमको बहुत कुछ फायदा होते आ रहा है। क्या इस्तेमाल किया आपने, किस बीमारी में क्या इस्तेमाल किया, आप भी शेयर करिए। पूरा इंडिया आपको सुन रहा है, नेशनल चैनल पर है आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए ताकि लोगों को और ज्यादा विश्वास हो सके। जैसे मुझे गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी तो घरेलू उपचार बताया तो वो जो जो बताए वो हम करके घर में कर रहे हैं। और फिर मेरा जो माथा में दर्द होता था चक्कर भी आता था तो उसको वो एक्सरसाइज जो आप बताए वो किए। अच्छा अच्छा, उससे भी बहुत फायदा हो रहा है। अच्छा, कोई और सवाल है आपका? हाँ सर, सवाल मेरा ये है कि मेरा आँख जो है ना बायां आँख में बहुत ज्यादा मतलब धुंधलापन दिखता है, बायां आँख हमको उतना दिखता नहीं है। और हम काम करते हैं, मैं ही मोती का काम करते हैं, माला वगैरह बनाते हैं तो जिसके कारण हमको आँख में बहुत प्रॉब्लम होता है, हमको दिखाई नहीं देता है आँख से। ठीक है। और दूसरा बात ये सर कि मेरे पैर में ना हमेशा 12 महीने पानी लग जाता है। पानी लग जाता है? पानी से मेरा पूरा पैर जो है ना एकदम खुरदरा खुरदरा हो जाता है, पैर का बड़ा फट जाता है और खूब दर्द करता है गोल गोला। ठीक है ठीक है। आज देखिए कितने अच्छे अच्छे पेशेंट अपना शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और हालांकि इतना वक्त नहीं होता कि इतनी लंबी बात की जाए, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक देने का। आपका जो आँख का मसला है इसमें एक गिलास गाजर का जूस रोज़ पिया करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। एक महीना कोशिश कर लीजिए और इसके बारे में दवाइयाँ भी आती हैं। और आप बहुत मेहनती लेडी हैं, अपने हाथ से अपना काम करके अपना गुजारा करती है, मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। और पैर दर्द के लिए आप गोंद सियाह मंगा लीजिए, एक आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाने के बाद खाइए। मुझे उम्मीद है कि ये 100 ग्राम आप ले लेंगे तो उसके ख़त्म होने से पहले आपकी समस्या का निदान मुमकिन है। नेक्स्ट कॉल है विमलेश बाराबंकी से, स्वागत है आपका जी। बताइए, सवाल कीजिए। सब पेट गड़बड़ रहता है, इसी बारे में जानकारी देना था। एज बताइए अपनी, उम्र और कब से है तकलीफ? ये 50 साल उम्र है, 3-4 साल से है। देखिए इस उम्र में 50 साल में हमारे जिस्म में बड़े परिवर्तन होते हैं। इसमें हमारे जो पार्ट्स हैं वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सुकड़ने लगते हैं। हर बड़ा पार्ट जो मेन पार्ट होता है उसमें मैदा भी है, आंते भी हैं, किडनी भी है, लीवर भी है, हर चीज़ थोड़ी सी सुकड़ जाती है। याद रखें ये बात। और इसको दुरुस्त रखने के लिए हर शख्स को इस उम्र में किसी इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो इलाज बहुत आसान है, आपके किचन से ताल्लुक़ रखता है। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, जीरा और गौंद मोरिंगा 100-100 ग्राम खरीदें, पाउडर बनाएं सबको मिलाकर और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम पानी के साथ खाएं। और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें तो आपकी ये समस्या का हल होना मुमकिन है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? उमा रानी गुप्ता बात कर रहे हैं पटना से। जी उमा जी, सवाल कीजिए। सवाल कर रहे थे, हम इनका प्रोग्राम 2 साल से देख रहे हैं। हम इनका बनाया हुआ दवा मैंने शुगर का या कुछ भी का भी सब दवा हम बनाते हैं और बना के बांटते भी हैं।
और हम अपने देते भी हैं, और दो साल से हम अपने पति को दे रहे हैं शुगर का दवाई, तो उसमें गुड़मार बूटी है, गुड़मार बूटी और ये छोटा हर और जवान मंगरेला और ये सब मिला के माने जितना बताते हैं सब दवाई हम देते हैं, उसमें क्रॉन्च भी मिला देते हैं, जामुन का बीजा मिला देते हैं, सब मिला के हम साल दो साल से अपने पति को दे रहे हैं। आज से बहुत आराम है, बाहर का दवाई एक जरा से भी नहीं देते इनको खाने के लिए। और तीसी तो हम 10 किलो मंगा के रखे हैं, उसको भूंजते हैं पीस के, हल्का उला देते हैं, उलाने के बाद पीस पास के उसको देते हैं, सुबह शाम दो बार माने हम इनको देते रहते हैं। बहुत अच्छा, मेरी बेटी का भी है कि पूरा पीठ में खुजली होता है, दाना हो जाता है, एक रंग नहीं है, जैसे मुंह का खूब गोरा है, पैर से इतना सुंदर है लेकिन न पेट ठीक है न पीठ इसका सुंदर है, और ऐसे सब है। और मेरा बेटा है वो 18 साल का, उसका हेल्थ बढ़ता ही नहीं है, एकदम पतला दुबला है, खाता भी ठीक है लेकिन चिड़चिड़ापन बहुत है। ठीक, देखिए आज जो लोग से बात हो रही है वो सब अपने पुराने पेशेंट हैं और बिल्कुल कभी बात नहीं हो पाई, आज बात हो गई। दरअसल मुझसे बात नहीं हो पाती लेकिन मेरे बताए हुए नुस्खे पर वो सब लोग काम करते। बहुत शुक्रिया आपने साझा किया अपनी बात, और आपके पति के लिए आपकी मेरी बताई हुई दवा शुगर की कामयाब रही। किसी को शुगर की दवा का अगर बहुत तेज़ चाहिए तो और जैतून का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में दो बार, दो दो तीन तीन चम्मच, तो अच्छी अच्छा होता है। शुगर की बहुत सारी दवाएं हैं और जो कामयाब है मैं आपसे शेयर करता हूं। और बच्ची का आपका शायद फ़ोन आया था अभी, जो जिसका चेहरा शायद वही बच्ची थी जिसने कहा था मेरे कई रंग हैं, तो मैंने आपकी बच्ची को नुस्खा बता दिया है जिससे उसका रंग अच्छा हो जाएगा और एक सा हो जाएगा। और जिस बच्चे की सेहत नहीं बनती है उसको आप एक जूस बनाइए, और वो ये है कि केला, खजूर और अंजीर दूध, इसका जूस बना लीजिए और दिन में एक कम से कम एक बार या एक से ज़्यादा बार पिलाया करिए, बच्चे की सेहत ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है मुकेश झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है मुकेश आपका। आदाब डॉक्टर साहब। आदाब आदाब मुकेश जी। जी हमको पेट की समस्या बहुत रहता है सर, मैंने गैस बहुत बनता है, अभी गैस बहुत ज्यादा है सर, पर पेट में निकलता नहीं है और पेट भी दर्द करता है, खाना खाते हैं इसका चलता है कि बाथरूम जाएगा, डकार बहुत आता है। ठीक है ठीक है, एज बता दीजिए अपनी। देखिए 50 प्लस को ये परेशानी आ जाती है और फिर वो तरह तरह के चूर्ण और ये सब खाते हैं, और अगर जानकारी कम हो तो और वो नुकसान देने लगते हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा और वो आप बना लीजिए घर में। देखिए 400 ग्राम अलसी लीजिए, सस्ती आती है, और साफ करके हल्का सा भून लीजिए, थोड़ा सा भूनना है, और चाहें तो इसका पाउडर बना लें, और दांत हो तो ऐसे चबा के भी खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, इनको पाउडर बना कर रखें और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, खाने से पहले पानी से खाया करें, और पांच बार आपको गर्म पानी पीना है, खूब ऐसा गर्म हो कि, मैं खुद भी पीता हूँ ये पानी, और सेहत अच्छी रखने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे चाय पीते हैं ना इतना गर्म पानी, चुस्कियाँ ले लेके आप पांच बार पीजिए, आप देखेंगे अगर आज से आपने शुरू किया तो कल से आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मटेरियल जो मैंने बताया है आपको 500 ग्राम, ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग आपसे रुखसत हो सकते हैं। अगली कॉलर है सरिता दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है सरिता आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। हाँ जी, मुझे अपने हस्बैंड के लिए बात करनी है जी। जी जी बताइए सरिता जी। नमस्कार सर जी। आदाब सर, हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल काफी रहता है और घुटनों में भी दर्द होने लगा है और प्री डायबिटिक भी है एक तरह से। ठीक है ठीक है। और कम से कम 10 साल से हो गए दवाई लेते हो उनको। अच्छा देखिए, बीपी भी बढ़ा रहता है जी।
देखिए सरिता जी, आप मेरी बात गौर से सुनना, पेन कॉपी है आपके पास? हाँ जी, ले रखा है मैंने। अच्छा देखिए, एक नुस्खा और ये तीन चार काम करेगा जो आपके पति देव को बीमारियां हैं, और ये आप पर भी काम करेगा, हर उस आदमी पर जिसका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट की रगों में चर्बी जम जाती है, उसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। तो आप लिखना और वो खुद बनाना, खुद इस्तेमाल करना, और आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े नस्खों पर भारी है। मैंने जिसको भी बताया उसको ऊपर वाले ने फ़ायदा दिया, आप भी ऊपर वाले से मदद मांगें। लींबू, लींबू जो है इसका एक लीटर जूस निकालें अपने घर में, तैयार शुदा, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, लींबू का एक लीटर जूस निकालें, अदरक का एक लीटर जूस निकालें, और लहसुन का एक लीटर जूस होना चाहिए, ये तीन जूस हो गए। अब इसमें जैतून का सिरका लिख लीजिए, ऑलिव का सिरका आता है, जैसे ऑलिव ऑयल आता है ऐसे ही ऑलिव का सिरका आता है, ऑलिव विनेगर एक लीटर ये लीजिए, इन सबको मिला दीजिए। अच्छा, इसे चाहे तो आप फ्रिज में रखें चाहे बाहर रखें, ये ख़राब नहीं होगा कभी, पूरी ज़िंदगी ख़राब नहीं होता ये, इसमें ये तासीर है। तीन चम्मच, दो या तीन चम्मच, तीन चम्मच वैसे ठीक है, सुबह नाश्ते के बाद और तीन चम्मच रात को खाने के बाद। इससे जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनको डायबिटीज़ नहीं होती, ठीक हुई हो जाती है। तो प्री डायबिटिक वो है जिनको होने वाली है, उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का ये दुश्मन है, जहाँ भी कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको ये चुन चुन के निकालता है, यहाँ तक कि दिल की रगें, दिल के आसपास की चर्बी, दिमाग की चर्बी, सब चर्बी का ये दुश्मन है और निकाल देता है, और फ़ायदेमंद बहुत है, और एनर्जी आ जाती है जिस्म में, और दर्द वगैरह में भी फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं बलवीर, हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है बलवीर आपका। हेलो जी। हाँ जी बलवीर जी, सर जी एक तो गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, गर्मी जो है बहुत लगती है, एकदम सहा नहीं जाता मतलब, और दूसरा वीकनेस कमजोरी बहुत रहती है। अच्छा, एज बताइए अपनी, और कोई रोग तो नहीं इसके अलावा? इसके अलावा और तो कोई नहीं है, यहाँ 48 है जी, 48। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, खाने में आप की पत्नी से कहता हूँ कि अदरक, लहसुन और जीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें, या स्काई पेस्ट बना लें और वो चटनी की तरह, अपने गाँव में तो रोटी पे लगा लेते ना चटनी, ऐसे लगा के और फिर खाते, ये खाया करिए। और एक नारियल पानी रोज़ाना पीना है आपको, और आधा ग्राम गोंद मोरिंगा, मोरिंगा का गोंद आता है, असली लेना, नकली भी मिलते हैं, गोंद मोरिंगा आधा ग्राम एक नारियल पानी के साथ आपको खाना है रोज़ाना एक बार, आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं हरिहर, भिवाड़ी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। सर मैम नमस्कार। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम सर मैम हरिहर, मैं भिवाड़ी से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी डॉक्टर साहब जी। आदाब। 40 साल मेरा उम्र है सर, मैं एक प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब मैं बचपन से एक बीमारी थी, मैं कभी घर पे नहीं बताया ना कभी टेस्ट किया, मैंने यूरिन में कभी कभार जलन होती थी, अब 20-25 मिनट तक ड्रॉप ड्रॉप करता था, लेकिन 6 महीना में 1 साल में होती थी सर। अब 40 साल उम्र हो गया, शादी को 10 साल हो गया, मैंने कभी टेस्ट नहीं कराया, मेरे घर पे भी डॉक्टर है किसी को बताया भी नहीं, बट अभी किसने सलाह दिया, मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो पता लगा डॉक्टर साहब मेरे राइट साइड में जो किडनी है उसकी फंक्शन ओनली 15% कर रहा है। तो मैंने मेदांता हॉस्पिटल, फोर्टिज, एम्स सारी जगह घूम लिया, उन्होंने ये सजेशन दिया देखिए रिपेयरेबल नहीं है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं, बाकी मेरे डॉक्टर साहब कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बाई चांस अल्ट्रासाउंड किया यूरिन की प्रॉब्लम से, तो बोले कोई रिपेयरेबल नहीं है, लेकिन हाँ जब आपकी कोई सिम्टम आएगी तभी आप उसको इस रिप्लेसमेंट सॉरी उसको निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक तो किडनी आपकी बिल्कुल 100% फंक्शन कर रहा है। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कोई घरेलू उपाय है जैसे मैं आगे फ्यूचर पढ़ा है मैं कुछ उसको बचा सकता हूँ या प्रिकॉशन ले सकता हूँ, कोई मेडिसिन किसने मेरे नहीं दिया डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर ने नहीं। ठीक ठीक है,
और देखिए कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिससे पेशाब के ज़रिए पता भी चल जाता है, और देर हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। देखिए ये जो कुछ है ये बचा रहे ये काफ़ी है, और अभी वाकई कोई मेडिसिन या कुछ देना ठीक नहीं है। एक विनेगर आता है, वो आप रात को रोज़ाना दो चम्मच, दो टू टी स्पून एक गिलास पानी में डाल के रात को पीकर सोया करें, तो आपकी किडनी साफ रहेगी और कोई उस पर परेशानी नहीं आने वाली, बस रोज़ाना एक बार। और उसका नाम है एलोवेरा, एलोवेरा का सिरका आता है, सिरका समझते हैं आप, सिरके, एलोवेरा का एक सिरका आता है जो जायके में खट्टा होता है और पानी में मिलाकर है तो बहुत तेज़ होता है। और एलोवेरा विनेगर याद रखिए, और बहुत आसानी से आप अपनी ज़िंदगी सेहत के साथ गुजारा कर सकते हैं।